ले रहा हूँ वो है वेदांता। इनकी जो पेरेंट कंपनी है वेदांता पीएलसी, इन्होंने फाइनली मांडवली कर ली। तो जो बॉन्ड होल्डर्स थे उनका लगभग 97-98% वोट फेवर में गिरा, और जो बॉन्ड होल्डर का प्रपोजल है टू रीस्ट्रक्चर 4 सीरीज ऑफ बॉन्ड्स वो पारित हो गया। तो इनकी जो 4-5 बिलियन डॉलर्स की रीपेमेंट आ रही थी तो वो टल गई है 2 से 3 सालों के लिए। तो जो पेरेंट का प्रॉब्लम था कि वो डेट रिस्ट्रक्चर होगी कि नहीं होगी, रेटिंग डाउनग्रेड होगा कि नहीं होगा, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मूविंग पार्ट्स हो रही थी, और फाइनली ये बॉन्ड होल्डर्स ने अप्रूवल दे दिया वेदांता के पेरेंट को। तो पेरेंट लेवल पे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया, तो एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव इफेक्ट आपको डोमेस्टिक वेदांता लिमिटेड की कंपनी में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। कल स्टॉक एक्टिव था, लगभग 2-2.5% ऊपर था, तो देखते हैं आज कैसे रिएक्ट करता है इस न्यूज को। और इन्होंने दो खबरें और बिजनेस अपडेट भी दिया इन्होंने। हाँ, वो तो एक्चुअली हिंदुस्तान जिंक का जो मेटल वॉल्यूम अपडेट है वही टाइप का वॉल्यूम अपडेट वेदांता का भी आता है, तो वहाँ भी आपने 7-8% की ग्रोथ देखी है। प्लस एक उन्होंने कुछ पैसे भी जुटा लिए NCDs के जरिए फंड, तो आज ये स्टॉक थोड़ा हाईलाइटेड रहेगा, पैसे भी जुटा लिए और तमाम काम कर लिए।